ऐसा ने ये क्या कर दिया? निकालूंगी मैं, पढ़ दे। ये तो क्या हो? ये काफी भारी हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में, और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन से। तो दीपावली की तैयारियां भी शुरू होने लग गई हैं, धीरे धीरे सफाई भी शुरू करने लग गए हम लोग। कल मैंने कपड़े धुले थे, चादरें धुली थी, और आज मैं करूँगी किचन की सफाई, क्योंकि सबसे पहले किचन ही है। किचन बड़ा गंदा हुआ है, तो सोच रही हूँ आज अपने किचन से ही शुरुआत करूँ सफाई की, और कल धुलूंगी मैं पर्दे। तो दिखाती हूँ मैंने किचन में कैसा सामान फैलाया है। यहाँ अभी इस साइड का रैक तो मैंने साफ कर लिए हैं, इस साइड की मेरी सफाई हो चुकी है, और अभी बचा है ये वाला साइड। ये वाला मैंने अभी साफ किया नहीं है, अभी पहले इस साइड का सामान रख दूंगी, फिर इधर को साफ करूंगी। आज मौसम की बात की जाए तो मौसम हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन उमस भरी गर्मी है। सुबह सुबह तो गर्मी उतनी नहीं है, लेकिन दोपहर के टाइम पे गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है। एक पार्सल रिसीव हुआ है, मैंने तो ये मंगाया नहीं था, ये बच्चों ने मंगाया है, तो देखते हैं इसमें क्या है, तभी देखेंगे जब बच्चे आएंगे, तभी देखूंगी तो आपको भी बताऊंगी कि इसमें है क्या। मैंने तो देख लिया वैसे। सो गाइस, मम्मी लगी है दीपावली की सफाई करने में, और मम्मी भी कर रही है फ्रिज साफ। ये देखो इतना कबाड़ निकला है यहाँ से। फ्रिज हमारा काफी पुराना हो चुका है, सोच रही हूँ कि अभी तो नहीं, लेकिन इसके बाद इसको चेंज किया जाए, क्योंकि अभी तो थोड़ी काम चलाने के लिए हो ही रहा है। तो अब करते हैं हम लोग की सफाई। यहाँ पे फ्रिज की सफाई भी हो चुकी है, अब फ्रिज के अंदर रख देती हूँ सामान, और फिर करती हूँ किचन में पोछे लगाना, बर्तन धोना। और यहाँ पे किचन की भी सफाई हो गई है कंप्लीट। तो दीपावली की सफाई मैंने शुरू की थी किचन से, जो मेरी सफाई आज कंप्लीट हो गई है किचन की, और साथ ही में मैंने फ्रिज भी साफ कर लिया था। तो अब सुलझाती हूँ माला, जो काफ़ी उलझ गई है, तो इशू लगी है यहाँ पे माला सुलझाने में, इशू यहाँ पे माला सुलझाने में लगी हुई है। जिज्ञासा आ गई है पानी भर, जिज्ञासा ने पूरी माला उलझा दी है, अब मैं इसको सुलझाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि इस पर गांठ जैसी पड़ गई है, तो सुलझाते हैं इसको। तो यहाँ पे लगा है लाइटों का भंडार, जिस जिसको चाहिए तो आप सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मजाक कर रही हूँ, ये सब लाइटें लगेंगी हमारे घर पे, क्योंकि ये सारी जलती हैं, ये भी जलती है, ये भी जलती है पूरी। और मम्मी अभी इसको उलझाने में लगी थी, पर ये उलझाने ही तो सॉरी सुलझाने में लगी थी, तो ये देखो ये अभी सुलझी नहीं। पर्दे वैसे मैं निकाल ही पाई थी, चिया लगा के आप छाते की सहायता से निकालूंगी मैं पर्दे। ये तो क्या हो गया, अब मेरे पर्दे भी सब निकल चुके हैं, अब धोती हूँ इनको। मैंने सारे पर्दे निकाल दिए हैं, अब मैं इनको छत पे लेके इनको धो दूंगी, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं, भारी भी बहुत हो रहे हैं, ये काफी भारी हो रहे हैं। आज धोने इतने सारे पर्दे, तो धूप तो कोई अच्छी आई नहीं है, बादल लगे हुए हैं। दिखाती हूँ आपको मौसम, आज तो मौसम काफ़ी ख़राब हुआ है, काफ़ी घने बादल लगे हुए हैं, धूप फिर भी लगी हुई है, लेकिन बादल भी काफ़ी घने घने हैं। तो देखती हूँ, कपड़े तो धोने ही हैं, धूप है ही, कपड़े तो सूख ही जाएंगे, तो लग जाती हूँ अपनी धुलाई पे। सो गाइस, मम्मी ने फाइनली पूरे कपड़े धो चुके हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तो देखो पर्दे ही पर्दे। अब मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये यहाँ पर भी पर्दे ही हैं, और यहाँ पे पूरा पानी पानी हो चुका है। ये यहाँ पे मम्मी धोई थी कपड़े, छत में नर होने का फ़ायदा भी है। और ये देखो मम्मी यहाँ पे निकाली है मक्के के दाने, हाँ, और इससे बनेंगे, देखो इससे बनेंगे पॉपकॉर्न। काम करते करते मुझे लग गई है भूख, और मैंने अपने लिए बना लिए पकौड़े,
जो बने हैं आलू के। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आज मौसम काफ़ी ख़राब हुआ है, काफ़ी घने बादल लगे हुए हैं।